शादी विवाह गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों पर विराम। पौष यानी खरमास में शुरू हुई सूर्य उपासना। सूर्य को अर्घ्य देने से आप बनेंगे तेजस्वी। भागवत और रामायण सुनने से हर इच्छा पूरी। विक्रम संवत का 10वां महीना पौष, जिसे लोक भाषा में खरमास भी कहा जाता है। खरमास के आते ही शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन जैसे शुभ कार्यों पर तो विराम लग जाता है, लेकिन मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो जाता है। पौष मास में भगवान सूर्य की 7वीं प्रतिमा भग की आराधना की जाती है। भग से ही भगवान शब्द बना है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से बनी शक्ति को ही भगवान माना गया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहों में सूर्य नारायण को अपना रूप बताया है। खरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं? खरमास में सूर्य देव धनु राशि में चले जाते हैं। धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु होने के साथ साथ मनुष्यों को भी धर्म और सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने पौष, जिसे धनुर्मास या खरमास भी कहा जाता है, इसलिए ये नाम दिया ताकि लोग सांसारिक कार्यों जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश से मुक्ति पाकर अपना ध्यान ईश्वर में लगाएं। पौष मास में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तीर्थ यात्रा और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बृहस्पति की राशि धनु में जब आत्मा के कारक सूर्य आ जाते हैं, तब ये समय जब तप, पूजा पाठ, ध्यान, योगाभ्यास के लिए हमारी इच्छा को जगाता है। अगर इस अवधि में हम सांसारिक कार्यों में लगे रहेंगे तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए धनुर्मास में साधना करके चंचल मन पर विजय पाई जा सकती है। इस महीने में ग्रहों नक्षत्रों की दशा ही कुछ ऐसी होती है कि थोड़ी साधना करने से भी विशेष फल मिलता है। पौष मास में क्या ना करें? खरमास में नवविवाहित कन्या को अपने पति के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। विवाहचर्या, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत और विवाह जैसे शुभ कार्य ना करें। पौष मास में क्या करें? धार्मिक तीर्थाटन करें, रामायण भागवत ग्रंथों का पाठ करें, योग साधना और प्राणायाम करें। पौष मास से होती है वर्षा और मौसम की भविष्यवाणी। मयूर चित्रम ग्रंथ के अनुसार कुद्वता सूत्री तिथिषु पौषे गर्भ प्रजापते तदा सुभिक्ष मारोग्यम श्रावण्याम वारी वर्षणम, अर्थात पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को अगर आकाशीय गर्भ हो तो सुभिक्ष योग बनने से श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन वर्षा होती है। पौष मास की सप्तमी की आधी रात के बाद अगर बारिश हो या बादल गरजें तो उस साल मानसून में बारिश नहीं होती है। पौष मास में अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बादल दिखें, बिजली चमके या इंद्रधनुष दिखे तो अच्छी वर्षा होती है। पौष शुक्ल पंचमी को अगर बर्फ गिरे तो उस वर्ष मानसून में बहुत अच्छी वर्षा होती है। तो अगर आप भी पौष मास, जिसे धनुर्मास या खरमास भी कहा जाता है, इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना चाहते हैं तो देर ना करें, सारे काम काज छोड़ें और भगवान की साधना में लग जाएं। क्योंकि अगर आपको ईश्वर मिल गए तो संसार का सारा सुख भी मिलेगा, लेकिन अगर आप सांसारिक सुख में व्यस्त रहे तो भगवान तो आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। लखनऊ से अखंड मंथन संवाददाता शिल्पी अग्रवाल के साथ शेखर त्रिपाठी की रिपोर्ट।